हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि दिस इज़ लाइक एन अपडेट वीडियो, कोई व्लॉग नहीं है। मेरे को कुछ अपडेट करना था। मैंने सोचा पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ या मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जो मेरे यूट्यूब में है वो इंस्टाग्राम शायद मुझे फॉलो नहीं करते होंगे या पता नहीं। तो मैंने सोचा मैं एक बार यूट्यूब पर डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है जब आप बहुत दिन तक वीडियोज़ नहीं डालते ना, तो आपका जो लेटेस्ट वीडियो होता है व्लॉग होता है उसमें नीचे काफ़ी कॉमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप कहाँ गायब एंड ऑल दैट। सो दिस इज लाइक एन अपडेट वीडियो फॉर अ टाइम बींग, मतलब 1 month to 45 days आप मान के चलो। कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं करूंगी। उसके पीछे का एक तो रीजन अभी मैं बताने में कंफर्टेबल हूँ नहीं। मैं आपको डायरेक्टली एक अपडेट वीडियो ही डालूंगी 45 days 50 days के बाद, मतलब 1.5 से 2 महीने के बाद मैं एक प्रॉपर अपडेट वीडियो डालूंगी। तो क्या मैं बिल्कुल गायब हो जाऊंगी यूट्यूब से? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे वीडियोस आते रहेंगे, जो सिट डाउन वीडियोस है वो आते रहेंगे, जैसे क्यू एंड ए वीडियो डाल दूंगी मैं। सो बेसिकली देयर इज सम मेडिकल थिंग गोइंग ऑन इन माय फैमिली एंड मेरा जो टाइम है वो मुझे अभी वहाँ देना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू YouTube के तरफ। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल YouTube छोड़ दूंगी, अभी बिल्कुल वीडियो नहीं बनाऊंगी। आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। मैं सोच रही हूँ जैसे ऑकल्ट पे मैंने काफ़ी टाइम्स वीडियो नहीं बनाया है, सिट डाउन वीडियो में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑकल्ट के ऊपर बनाने का। थोड़े बहुत वास्तु टिप्स मैं दे सकती हूँ, उस तरीके की चीज़ें मैं बनाती रहूँगी। एंड क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको पूरा लास्ट में जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं आपको बता, डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी ही। और होपफुली मैं पापा से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ में पूरी शेयर करूँगी। तो बस यही मुझे मेन तो बताना था कि मैं अभी वीडियो व्लॉग बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि आप व्लॉग ऐसे सब चीज़ों में ना मैं मतलब मुझे नहीं पता बाकी होगा, बट भाई ऐसी सब चीज़ों में मेरे से व्लॉग नहीं बनता है, ये तो अब तक आपको शायद पता चल चुका होगा। तो वो एक चीज़ है, वो मुझे अपडेट करना था। और दूसरा बाकी अमेजन के हॉल्स वगैरह मैं डालती रहूँगी, मतलब जो भी सिट डाउन वीडियोज़ है ना वो मेरे आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं एकदम गायब हो जाऊँगी। और आप मुझे सजेशन दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कि किस तरीके के सिट डाउन वीडियोज़ आप देख सकते हो। बहुत नहीं बनाऊंगी मैं, बट जैसे सिट डाउन वीडियो में क्या होता है ना, आप एक ही दिन बैठ करके 3-4 वीडियो बना सकते हो, हफ्ते में 2 दिन निकाल के अपना पूरा काम खत्म कर सकते हो, वैसा है। तो आप मुझे सजेशंस दीजिएगा किस तरीके के सिट डाउन वीडियोस आप देख सकते हो, सो देखना चाहोगे। एंड यस, ये वाला वीडियो मैं यहीं रखती हूँ, छोटा सा रखना था, मुझे सिर्फ ये बताना था अपडेट कि मैं नेक्स्ट 45 to 50 मतलब 1.5 से 2 महीना मेरे शायद ब्लॉग्स नहीं आएंगे। एंड होपफुली उसके बाद मैं जिस अपडेट के साथ आऊँगी, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव अपडेट के साथ आना चाहती हूँ मैं अपने पापा से रिलेटेड, एंड पूरी जर्नी शेयर करूँगी। मेरे ना छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के रखी है उस जर्नी की, तो वो क्लिपिंग ना आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी है। मैं बना रही हूँ और एडिट भी करती जाती हूँ। जब भी मैं वो चीज़ डालूंगी ना, मैं उस चीज़ को मोनेटाइज नहीं करूँगी, बिल्कुल भी कोई ऐड नहीं डालूंगी उसको। मैं अपने एक्स्ट्रा पैसे लगा के उस चीज़ को प्रमोट करूँगी कि ये लोगों तक पहुँचे। होप चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँ, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए और मैं अच्छे से एक अपडेट, पॉजिटिव अपडेट के साथ आऊँ और चीज़ें वापस से ऑन ट्रैक आ जाए। सब कुछ, सब कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है, सब कुछ अब तक बेस्ट होता आया है, आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। तो यस, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो अगर आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।